इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीसी पावर सप्लाई। तो सबसे पहले हम एम डिसाइड करते हैं कि जो डोमेस्टिक पावर सप्लाई है वो, सपोज़ करो हमारी डोमेस्टिक पावर सप्लाई आती है 220 वोल्ट, अगर हम ब्रिटिश या इंडियन प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो 220 वोल्ट एसी है, ठीक है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्स, और जो ये वोल्टेज है ये साइनोसोइडल है ना। तो और आउटपुट में हमें चाहिए, यहाँ पर जो लोड का जो इनपुट बनेगा तो जो आउटपुट चाहिए वो 5 वोल्ट डीसी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको 220 वोल्ट है यहाँ पर इनपुट, और इसको 5 वोल्ट में लाना है, तो कहने का मतलब है इसको हमें 220 वोल्ट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है इधर, तो यहाँ पर जो टर्न रेशो है, अगर सपोज़ करो 220 वोल्ट लिया है मैंने इनपुट, और इसकी टर्न रेशो है 12/1, तो डिवाइड बाई इसको 12 कर देंगे, तो जो आउटपुट वोल्टेज जो इसका आएगा रिजल्ट, वो यह हमारे यहाँ आउटपुट पे आएगी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी जो वाइंडिंग है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वाइंडिंग में, तो इसके ज़्यादा हैं प्राइमरी कोईल के, और जो सेकेंडरी कोईल है उसके कम है, ठीक है। तो रेशियो है 12/1 की, ठीक। अब आते हैं जो ट्रांसफार्मर का पर्पस, एक तो प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करना। प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज से मतलब है कि अगर सपोज करो आपको 5 वोल्ट का आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पर जो इसका जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है वो 5 वोल्ट से ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि देखो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर भी होना है, डायोड है सिलिकन का, तो एक बार में जो आप ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं तो दो जो डायोड हैं वो एक पाथ में आते हैं, तो दो डायोड पाथ में आने का मतलब है 0.7 वोल्टेज जो है एक डायोड वो हमारा ड्रॉप करता है, तो दो कितने हो गए 1.4 वोल्ट। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज आएगी -1.4 वोल्ट, और उसके बाद अगर इसके इनपुट पे उससे जो 5 वोल्ट हम यहाँ सप्लाई करने वाले हैं उससे अगर कम वोल्ट है, ठीक है, तो ये प्रॉपरली फिर वर्क नहीं करेगा, समझ रहे बात। तो हमें क्या करना है, ये 5 वोल्ट से हमें ज़्यादा ही रखनी है, तो 6, 7, 8, 9, 9, 9 तक भी रख सकते हो, सही है, 9 अपना एक तरह से रिलायबल है, ठीक है। तो बीच में कुछ भी ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने लगाया नहीं है ना, एक हम यहाँ पर सर्ज रेसिस्टर वो लगाते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप उसमें भी होता है, ठीक है ना। तो 9 वोल्ट अगर हम, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर 9 वोल्ट आ रही है, ठीक है, तो टर्न रेशो अब उसके हिसाब से 220 डिवाइड बाई 9 वोल्ट करोगे तो जो भी आएगी टर्न रेशो उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, तो 15 या 17 के अराउंड आनी चाहिए, सही है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, तो एक बार इसको डिवाइड करके आप देख लेंगे, हाँ 20 के अराउंड आएगी, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अब हमारा यहाँ इसका पर्पस सोल्व हो गया, तो अभी जब डिज़ाइन करेंगे, जब वैल्यू पे जाएंगे थोड़ा सा, तो दो पर्पस हो गए, एक तो प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करना और दूसरा इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। अब ये दो कोइल हैं, दोनों ये क्या है, आइसोलेट है, मतलब यहाँ पर कोई फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। तो ट्रांसफार्मर ये हमारा प्रोवाइड कर रहा है, तो कहने का मतलब है जो एसी ग्राउंड आइसोलेशन है वो हमारा प्रोवाइड कर रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसने दो पर्पस सॉल्व किए, एक तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड किया हमारे पूरे सर्किट को, और दूसरा हमारा जो वोल्टेज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी अभी सेम ही रहेगी और यहाँ पर भी एसी ही रहेगी, बस उसका मैग्नीट्यूड क्या है लो हो गया। अब जब इसके इनपुट पर देंगे, ये हमारा है ब्रिज रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर का जो पर्पस है, रेक्टिफायर का पर्पस है कि जो भी हमारी एसी आई है उसको कन्वर्ट करना पल्सेटिंग डीसी में। पर क्योंकि जो साइनसोइडल है, अगर हमारी सपोज करो यहाँ पर स्क्वायर वेव होते और हम सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर लगाते तो वो उसको डायरेक्ट डीसी में कन्वर्ट कर देता, ठीक है, पर यहाँ पर क्योंकि अब हमारा साइनोसोइडल वेव फॉर्म है तो वो पल्सेटिंग डीसी देगा, ठीक है ना, ये सब साइनोसोइडल है तो पल्सेटिंग डीसी देगा। तो पल्सेटिंग डीसी का मतलब है उसमें डीसी के कंपोनेंट भी हैं पर वो ज़्यादा हैं, एसी के कंपोनेंट कम है पर हैं, ठीक है ना। तो एसी प्लस डीसी इसका आउटपुट पाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर प्योरली एसी था, यहाँ डीसी जीरो था, तो रेक्टिफायर ने क्या किया, उसमें उसको डीसी वोल्टेज, इसका जो आउटपुट है वो डीसी वोल्टेज है पर उसमें एसी कंपोनेंट भी है, ठीक है ना। उन एसी कंपोनेंट को हमें रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पर लगाया एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या कर रहा है, उसको जो मोस्टली जो एसी कंपोनेंट है, अगर हमने प्रॉपर डिज़ाइन किया है कैपेसिटर को, हमने प्रॉपर वैल्यू दी है ना, तो जो कैपेसिटर है वो डिपेंड करता है आरसी टाइम कांस्टेंट पे, यानी ये
और ये जो हमारा लोड रेसिस्टर है, ठीक है, तो ये दोनों मिलके तो ये बनाते हैं टाइम कांस्टेंट। तो ये बन गया हमारा सी, अगर इसको मैं नाम दे देता हूँ आर एल, ठीक है, तो ये हो गया सी आर एल टाइम कांस्टेंट। ठीक, तो जो पीरियड है पल्स का, इस तरह की पल्स बनेंगी, ठीक है, तो जो पीरियड है पल्स का, अगर हमारा ये टाइम कांस्टेंट लार्ज एनफ है, तो जो हमारा ये डिस्चार्ज होगा तो स्लोली डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना, तो इस तरह की वेवफॉर्म आएगी। तो मैं उसको वेवफॉर्म को इसके बाद, जो इनके पर्पज़ हैं डायग्राम के, उसके बाद मैं इसको वेवफॉर्म की हेल्प से उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या कर रहा है, वो इसको स्मूथ बना रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारे यहाँ पल्सेटिंग डीसी आ रही है उसको स्मूथ बना रहा है, यानी कहने का मतलब है उसमें से एसी कंपोनेंट रिमूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तो जिस रेंज की भी यहाँ पर, अब सपोज़ करो यहाँ पर 8 वोल्ट आया, ठीक है, यहाँ 9 वोल्ट लिया और इसको मान लेते हैं कि नियर अबाउट 8 वोल्ट। अब उसको हमें यहाँ पर हमने लगाया वोल्टेज रेगुलेटर, तो वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब है हम कोई वोल्टेज जो है इसके आउटपुट वोल्टेज वो हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, यानी हम सपोज मान के चल रहे हैं कि हमने आईसी ली 7805, तो ये एक्स एक्स का मतलब है ये पूरी सीरीज है, 7-8 सीरीज है, तो ये 7-8 का मतलब है ये पॉजिटिव वोल्टेज है ना, तो 7-9 एक सीरीज है वो नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करती है, ठीक है, तो 7-8 पॉजिटिव के लिए। तो 7805 अगर मैं आईसी लेकर आऊँगा तो आउटपुट इसका 0.5 आएगा, इनपुट आप इस पर, तो जो भी उसकी डेटा शीट है कि कितना मैक्सिमम इनपुट दे सकते हो इस आईसी को, ठीक है, तो वो उसकी डेटा शीट से ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 वोल्ट ये चल जाएगा, 15 वोल्ट भी, मतलब 15 वोल्ट भी अगर यहाँ पर आ रहा है या 25 वोल्ट भी आ रहा है तब भी वो उसको एक्सेप्टेबल है, जैसा मुझे याद है, अभी मैंने नहीं देखा है उसको। तो आप एक बार इसकी डेटा शीट अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो एक बार उसको पढ़ लें कि मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितनी ये परमिट करता है। उसके बाद अब यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो 5 वोल्ट प्योर डीसी आएगा, ठीक है, तो ये काम हम जीनर डायोड से भी कर सकते थे, ठीक। तो जीनर डायोड में अब और 7805 जो आईसी है, तो वोल्टेज जो ये रेगुलेटर है ये क्या जो पर्पज़ है इसका, ये दो पर्पज़ सोल्व करता है। एक तो अगर हमारा आरएल वेरी कर रहा है, सही है, तब भी हमारे जो आउटपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट फिक्स रहती है। दूसरा, अगर हमारा इनपुट वेरी कर रहा है, अगर सपोज़ करो 6 वोल्ट टू 8 वोल्ट ये वेरी कर रहा है, ठीक, तब भी हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट रहेगी, सही है। तो इस तरह का है इसका वोल्टेज रेगुलेशन, इसका पर्पस है ना। तो ये दो पर्पस सोल्व करता है, एक तो जो अगर हमारा लोड वेरी कर रहा है तब भी ये आउटपुट को कांस्टेंट रखेगा, और अगर हमारा इनपुट वेरी कर रहा है, ये एसी इनपुट है बेसिकली यहाँ पर, ये भी वेरी कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंगली वेरी सारी वोल्टेज करेंगे, है ना। अगर 220 वोल्ट ना होकर ये 200 वोल्ट हो जाए तो ये 9 वोल्ट से कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही फिर हमारा या 8 वोल्ट से कम हो जाएगा। तो इस तरह का वेरिएशन चलता रहेगा अगर हमारा इनपुट वेरी कर रहा है, तो इसके वेरिएशन का वो अनअफेक्टेड रखता है, आउटपुट ये 5 वोल्ट फिक्स देता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर के दो पर्पज़ हो गए, चाहे हमारा आउटपुट जो हमारा लोड है वो वेरी कर रहा हो, चाहे हमारा इनपुट है वो वेरी कर रहा हो, या आउटपुट हमारा कॉन्स्टेंट देगा 5 वोल्ट, ठीक। अब आते हैं वेवफॉर्म पे। तो अब जो हम एक मैं वेवफॉर्म इसको ले लेता हूँ, तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर एसी वाली वेवफॉर्म, जो हमारा इनपुट है डोमेस्टिक पावर सप्लाई सिंगल फेज, ठीक, ये हमारा डब्लू टी, ये हमारा जीरो, ये पाई और ये 2 पाई, तो 2 पाई इसका टाइम पीरियड हो गया। और ये जो पीक है, तो पीक वोल्टेज जो आप इसको मेजर करोगे, तो 220 वोल्ट अगर किसी ने लिखा है एसी, तो इसका मतलब है ये जो हमारी वोल्टेज है 220 वोल्ट जो एसी है, ये हमारी पीक वैल्यू नहीं है। तो पीक वैल्यू निकालने के लिए इसमें आपको √2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 311 वोल्ट आएगी, और नेगेटिव पीक जो इसका बनेगा वो -311 वोल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारी पीक वोल्टेज है साइनोसॉइडल। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो इनपुट है वो ये वोल्टेज है, ठीक है, और 220 वोल्ट जो इसकी आरएमएस वैल्यू है ना, जो एसी वैल्यू है वो कहीं लाई करेगी यहाँ पर, अगर इसको स्केल करें तो उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर है 220 वोल्ट पर, ये है हमारी आरएमएस वैल्यू और ये है हमारी पीक वैल्यू, या इसको मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हो, वीएम या वीपी कुछ भी, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया इनपुट हमारा यहाँ पर, और इसका भी इनपुट की वेवफॉर्म है ये। अब आते हैं सेकेंडरी पे क्या आउटपुट आएगा, तो अब यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हमारी टर्न रेशो है 12 डिवाइड बाई 12 कर रहे हैं, सही है,
तो मैंने यहाँ पर पहले 9 वोल्ट लिखा था, तो मैंने उसका कोई कैलकुलेशन से नहीं चल रहा था मैं, ठीक है ना। तो मैंने इसको रेशो ये मान लेते हैं 12:1 का है और इसको भूल जाते हैं। तो 220 वोल्ट को डिवाइड करोगे 12 से, या 311 को डिवाइड करो। अब देखो, अगर आरएमएस वैल्यू को डिवाइड करोगे 12 से तो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू ही आएगी, सही है। अब क्योंकि मुझे वेवफॉर्म बनानी है तो मुझे चाहिए पीक, है ना, पीक वैल्यू मुझे चाहिए वेव फॉर्म के लिए। ये भी डब्ल्यू टी, ये जीरो, ये पाई और ये 2 पाई। तो इसकी पीक के लिए मुझे या तो पीक वोल्टेज को 311 को ही डिवाइड कर दूँ 12 से, तो ये अराउंड आएगी 25 वोल्ट के, ठीक है। या दूसरा है, मैं 220 वोल्ट को डिवाइड करूँ 12 से और जो वोल्टेज आएगी उसकी मल्टीप्लाई करूँ √2 से, तब भी वो 25 वोल्ट के अराउंड आएगी, ठीक है ना। मतलब सेम वोल्टेज आएगी, ठीक है। तो पीक पे ये पॉजिटिव 25 वोल्ट और नेगेटिव है -25 वोल्ट। तो ये है इसका आउटपुट, तो जो आउटपुट आया वो आया ये, ठीक। अब आते हैं फुल वेव, जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका आउटपुट किस तरह का आएगा, तो उसको देखते हैं। तो ये बनाएगा इस तरह का आउटपुट, ठीक है। तो ये जीरो, ये पाई, तो वेवफॉर्म देखो थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, सही है। तो उसको आप एक बार अच्छे से देख लो, और जो पीक रहेगा, सही है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो जो डायोड है ये आइडियल डायोड है, और जो इसका नाम है डायोड का, अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो IN4001 ये है। इसकी डेटा शीट देख लेना एक बार कि कितना ये इनपुट बियर कर सकते हैं, कितनी इनकी पीक इन्वर्स वोल्टेज है, ठीक है। तो इस पावर सप्लाई के लिए ये NF है, 4001, ठीक है ना। एक फिर 4007 है, तो ये जनरल पर्पज़ डायोड हैं, इन्हें जनरल पर्पज़ डायोड बोलते हैं, सही है। तो इनको आप रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 4001 मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जो पीक वोल्टेज है, मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि आइडियल डायोड हैं, तो आइडियल डायोड हैं तो 25 वोल्ट ये पीक है, तो यहाँ पर भी 25 वोल्ट ही होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको एक्चुअल वैल्यू लेके चलूँ तो 25 माइनस, अब जब भी ये एक जो साइकिल आती है, एक साइकिल, तो सपोज़ करो पॉजिटिव साइकिल है, पहले ये पॉजिटिव साइकिल है, तो पॉजिटिव साइकिल में D1 वर्क करेगा, तो ये पाथ बनेगा वो ये पाथ बनेगा D1, D1 से फिर ये इधर से लोड के थ्रू होता हुआ फिर आएगा इधर, और फिर ये इसमें, और फिर ये D2 से फिर ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ D1 और D2 वर्क करेंगे, तो दो एक पाथ में रहते हैं। ऐसे ही जब नेगेटिव वाली वोल्टेज आएगी, तो नेगेटिव वाली वोल्टेज इधर से, तो ये वाला D3 वर्क करेगा, और फिर इस तरह, और ये इस तरह होके D4 के साथ, तो D3 और D4 ये नेगेटिव में काम कर रहे हैं, तो D2 और D1 इसमें। तो एक बार में जो एक पाथ है, जब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों केस में दो डायोड ऑन होते हैं। और मैं इनको अगर प्रैक्टिकली लेता हूँ तो 0.7 + 0.7, तो 1.4 वोल्ट हुआ। तो जो ड्रॉप आएगा वो आएगा 25 - 1.4 वोल्ट, तो ये बना हमारा 23.6 वोल्ट, तो आइडली बनेगा 23.6 वोल्ट, ठीक। ये वोल्ट है, तो ये आउटपुट है हमारा रेक्टिफायर का, ये रेक्टिफायर का हमारा आउटपुट आया। अब आगे चलते हैं। अब हमें, अब ये जो है यहाँ पर हमारा, अगर मैं इसकी देखो, इसकी एवरेज वैल्यू लूँ या डीसी वैल्यू लूँ, तो जीरो है, एवरेज वैल्यू जीरो आएगी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों माइनस हो जाएंगे, रिजल्ट जीरो आएगा, है ना। पर यहाँ पर दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो जो इसकी एवरेज वैल्यू आएगी वो नियर कहीं यहाँ पर आएगी। तो इसको नाम दे दें, अगर ये वोल्टेज है तो इसको नाम दे दिया VDC, सही है। अगर करंट वेव फॉर्म है तो ये IDC हो जाएगी, तो यहाँ वोल्टेज वेव फॉर्म बनाई है तो ये VDC, ठीक। और ये ही हमारी है एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू या इसको VDC बोल सकते हो। पर अब इसमें क्या है, इसमें हमारे AC कंपोनेंट हैं। अब AC कंपोनेंट देखो, अब फ्रिक्वेंसी देखो इनके सबके, ये 50 हर्ट्स थी, यहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स ही रहेगी, तो इस पॉइंट पे भी 50 हर्ट्स ही फ्रिक्वेंसी रहेगी। यहाँ पर 0 से 2 पाई में दो वेव हैं, सही है, दो बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 100 हर्ट्स। यहाँ पर एक वेव है 0 से 2 पाई पीरियड में, यहाँ 0 से 2 पाई पीरियड में दो वेव आ गई, दो बार ये अप डाउन हो रही है, तो एक, तो ये हो गई 100 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक।
अब उसके बाद कहने का मतलब है इसमें एसी कंपोनेंट है, तो यहाँ पर जो इसको लिखोगे इसमें यहाँ तक हमारा ये भी एसी था और यहाँ पर भी आउटपुट एसी है, और यहाँ पर है जो आउटपुट आएगा वो एसी प्लस डीसी, तो इसलिए इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी आउटपुट जो रेक्टिफायर हमारा देता है ड्यू टू साइनोसॉइडल। अगर हमारा एसी मतलब अगर हमारा स्क्वायर वेव होता तो स्क्वायर वेव इस तरह का बनता, इस तरह का, और ये स्क्वायर वेव होती इनपुट पे, और ये भी हमारा फिर स्क्वायर वेव इस तरह का। तो अगर टाइम डिले को मैं बहुत स्मॉल मान लूँ तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता और इस तरह का बनता, ठीक है ना। मुझे पेन दूसरा चेंज करना चाहिए, चलो ग्रीन ले लेते हैं। तो अगर मैं सपोज करो साइनोसॉइडल ना होके मेरे पास है स्क्वायर वेव, तो स्क्वायर वेव का जो आउटपुट आता रेक्टिफायर का वो आता मेरा ये, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये नियर अबाउट, अगर मैं डायोड का जो एक तरह से प्रोपगेशन डिले है उसको मैं नेगलेक्ट कर लूँ तो ये मेरा प्रॉपर डीसी बन जाती, ठीक। पर क्योंकि एसी है तो ये फ्लक्चुएटिंग है। अब उसको इसमें से एसी कंपोनेंट हमें क्या करने, रिमूव करने। तो एसी कंपोनेंट रिमूव करने तो जो हमारा वेवफॉर्म है वो लगभग इस तरह का है, ठीक। पर जब हम शंट कैपेसिटर लगाते हैं तो शंट कैपेसिटर क्या होता है, ये हमारा चार्ज होता है, पीक तक चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद जो उसका आरसी टाइम कांस्टेंट है, तो जैसे कि यहाँ पर आरसी आरएल है ना, तो ये मैंने सी आरएल हो गया इसका टाइम कांस्टेंट। तो पीक टू पीक एक हमारा है पीरियड, तो इसको बोल देंगे पीक टू पीक टीपी। तो जो सी आर एल है वो इससे मच ग्रेटर होना चाहिए, अगर मच ग्रेटर होगा तो ये स्लोली डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो वेवफॉर्म बनेगी हमारी इस तरह की, ठीक है ना। फिर ऐसे ही यहाँ पर ये पीक तक आएगा और फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा, फिर इस तरह पीक आ जाएगी, फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो वेवफॉर्म जो है अब हमारी क्या है यहाँ पर, अब ये मैक्सिमम जो कंपोनेंट है यहाँ पर अब डीसी कंपोनेंट हो गए, सही है। पर क्योंकि ये वेरी कर रही है तो इसमें भी एसी कंपोनेंट अभी हैं, पूरी तरह रिमूव नहीं हुए हैं, है ना। तो इसको और रिमूव करने के लिए यहाँ पर जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस हमारा जितना लार्ज होगा या लोड जितना लार्ज होगा, ठीक है, या दोनों, तो मॉडरेट वैल्यू रख लेते हैं कैपेसिटर की भी और लोड की भी, सही है। तो लोड अपने हाथ में नहीं है, है ना, कैपेसिटर अपने हाथ में है। तो अगर कैपेसिटर की वैल्यू पहले से ही हाई रखते हैं तो लोड जो है वो चाहे आपका कम हो या ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा बेटर हमारा जो आएगा डीसी वैल्यू, ये जो है मतलब एसी कंपोनेंट जो रिमूव होंगे और बेटर होंगे, रिपिल और कम आएंगे, सही है। पर अगर हमारा डीसी वैल्यू सपोज करो, अगर हमारा ये जो कैपेसिटर है ये हमारा स्मॉल है, सही है, तो हमारी जो डीसी वैल्यू है वो हमारी थोड़ा सा डिग्रेड टाइप की आएगी, क्योंकि उसमें एसी कंपोनेंट मिक्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको इस तरह आप देख सकते हो कि जो हमारा वेवफॉर्म है ना, तो टाइम कांस्टेंट जितना ज़्यादा कम होगा, टाइम कांस्टेंट जितना ज़्यादा कम होगा उतनी जल्दी ये डिस्चार्ज होगा। तो सपोज़ करो अगर कैपेसिटर और आरएल की वैल्यू दोनों की मिला के जो इसका टीपी है इस टाइम कांस्टेंट से कम है तो वो तुरंत का तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद दोबारा कैपेसिटर आएगा और फिर ऐसे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अब जो है ये जो वेरिएशन है, सही है, तो ये क्या कर रहा है, ये एसी कंपोनेंट बढ़ा रहा है। तो इस वजह से हमें जो ये कैपेसिटर है जो इसकी वैल्यू को हमें लार्ज लेना पड़ता है, सही है। अच्छा, फिक्स आरएल के लिए अगर निकालें तो ज़्यादा बेटर है कि अगर हमारा कोई लोड है हम फिक्स उसको यूज़ करना है तो 10 किलो ओम का अगर सपोज़ करो हमारा कोई लोड है तो उसके हिसाब से हम कैपेसिटर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिपिल भी निकालनी है तो रिपिल फैक्टर का भी इसमें एक, पहले रिपिल को समझ लो क्या है। तो ये जो है हमारा ये तो पीक वैल्यू हो गई, इसको वीएम मान लो या वीपी, जो मैं यहाँ पर वीपी लिखा है या वीएम मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर जो है ये वीएल है लोअर वैल्यू।
तो जो रिपिल वोल्टेज है वो कितनी हुई, वी आर इक्वल्स टू वी एम माइनस वी एल, ये हमारी हुई रिपिल वोल्टेज, ये आर है ना, ये रिपिल वोल्टेज। तो ये इस तरह से है। अब इसको जो कैपेसिटर का है चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम को, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वालिटेटिवली उसको समझेंगे और इनकी जो फार्मूला निकाल लेंगे और कितना कैपेसिटर आना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे, और डेटा शीट की हेल्प से ये कितने डायोड लेने हैं, सही है, और यहाँ पर टर्न रेशियो कितनी होनी चाहिए एक्चुअली, वो सब हम डिस्कस करेंगे किस तरह हम उसे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो डिज़ाइन प्रोस्पेक्टिव से उसको देखेंगे। तो उसके बाद हमारी जो वेवफॉर्म आई वो आई हमारी इस तरह की। अब इसको ये वेवफॉर्म है हमारी, पर ये है फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो मैं इसमें से बाकी कंपोनेंट निकाल देता हूँ। तो अब ये वेवफॉर्म है हमारी इस तरह की, ठीक है। ये वेवफॉर्म आई। अब हमें चाहिए वेवफॉर्म बिल्कुल फ्लैट। फ्लैट का मतलब है अभी इसमें एसी कंपोनेंट हैं तो उसको पूरी तरह रिमूव कर दें। तो रिमूव करने के लिए सही है, या तो हमारा कैपेसिटर है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, दूसरा है अगर हमारा मार्जिन एनफ है, सही है। तो सपोज़ करो वीएल हमारी आ रही है 8 वोल्ट तक, यहाँ पर है ये 25 वोल्ट, 25 से 8 वोल्ट तक, तो आपको चाहिए 5 वोल्ट आउटपुट पे। तो आप 7805 अगर लगा दोगे तो जो आउटपुट है वो हमारा 5 वोल्ट आएगा, सही है, इजीली। पर सपोज़ करो अगर इसका जो ये 8 वोल्ट की जगह ये सपोज़ करो यहाँ पर 4 वोल्ट आता है, मतलब जो वेरिएशन है ना, जो कैपेसिटर का जो जो एक तरह से आरसी टाइम कांस्टेंट है वो इसके जो पीरियड है उससे कम है, तो सपोज़ करो ये यहाँ पर आ रहा है 4 वोल्ट तक, ठीक है, तब ये हमारी जो है 5 वोल्ट ये हमारी फ्लक्चुएट करेगी, तो इसका इफ़ेक्ट हमारा यहाँ आउटपुट पे आएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए जो कैपेसिटर की वैल्यू है और यहाँ पर जो आरएल की वैल्यू है वो इस तरह लेते हैं कि जो सीआरएल है यानी टाइम कॉन्स्टेंट है वो इसके टाइम पीरियड से एनएफ हो, लार्ज एनएफ हो, ठीक है ना। तो जिससे कि जो वेरिएशन है वीएम और वीएल का, यानी जो हमारी रिपल वोल्टेज है वो रिड्यूस हो, सही है। तो जितनी ज़्यादा इसका इसमें रिडक्शन होगा उतनी हमारी प्योर जो है डीसी आएगी, ठीक। तो इस तरह की जो आउटपुट आया ये आया। तो ये है हमारा डीसी पावर सप्लाई, ये क्वालिटेटिवली अप्रोच है, इसमें हमने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है ना। तो अभी कैपेसिटर की वैल्यू भी डिज़ाइन करनी है और किसी फिक्स आरएल के लिए फिर ये कौन सा लेना है, IN4001 क्यों लेना है, या टर्न रेशो एग्जैक्टली कितनी आएगी, वो कैलकुलेशन वो सब हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ, और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट करें, नहीं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे लगे तब भी कमेंट करें, ठीक, चलिए।